दोस्तों अभी हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अभी हम लोग जा रहे हैं एक तरुण जी के एक रिलेटिव के घर में। तो ये है चट्टोग्राम शहर, एक बहुत ही बड़ा शहर है, जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी होते हैं कोलकाता दिल्ली मुंबई, उस जैसे इतना बड़ा नहीं है बट बहुत बड़ा शहर है। ये देखो ये रास्ते भी बहुत वाइड है और हम लोग रिक्शा में हैं और जा रहे हैं एट द रिलेटिव हाउस। तो पहुँचते हैं वहाँ पर, उसके बाद देखते हैं सीन क्या है। तो दोस्तों एक्चुअली मैं जिस रिलेटिव के घर में आया था, ये है जनाब मिस्टर रतन पाल, और इसका जो मेन प्रोफेशन है आप देख सकते हो, उसका एक कारखाना, इसका फैक्ट्री में हम लोग अभी विजिट कर रहे हैं, घूमने के लिए आए हैं। यहाँ पर एक्चुअली जो मूर्तियाँ बनाया जाता है अबाउट हिंदू देव देवियों का, यहाँ पर आपको इन जनरल तीन टाइप ऑफ मूर्ति आपको मिलेगा। एक होता है मिट्टी का जो मूर्ति हम लोग जो पूजा करते हैं दुर्गा पूजा काली पूजा में, एक होता है एक्चुअली पत्थर से बनाया हुआ मूर्ति, जो पत्थर को तराश कर जो मूर्ति बनाया जाता है, दूसरा है सीमेंट का मूर्ति, और डिफरेंट मंदिर में स्टैचू हम लोग जो देखते हैं पार्क में रहता है ना, सीमेंट से बनाया हुआ मूर्ति, वो भी यहाँ पर बनाया जाता है। और ये चट्टोग्राम शहर का, अच्छा जायगाटा नाम की दवान जी पुकुर पार, ये बहुत ही फेमस एक पॉश एरिया है। मैं बात कर रहा था यहाँ पर एक मीन्स जो लोग रहते हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, लोग का लाइफ स्टाइल है, और ये एकदम हार्ट ऑफ द सिटी, एक मंदिर है, मंदिर के सामने ये कारखाना है। अच्छा अच्छा जिस बोलो जो तुम्हारे ये मंदिर ये कारखानाटा कत बचर है एक्चुअली? 30 বছরের এই কারখানা। এখানে মানে কি কি ঠাকুরের মূর্তি তৈরি হয় তোমাদের এখানে? এখানে তো সব কিছুই তৈরি হয়, পুজোর সিজনে দুর্গা, আচ্ছা সরস্বতী, লক্ষ্মী, সব কিছু তৈরি হয়, আর আদার্স সময়ে তোমার এটা হয় মানে বিভিন্ন মূর্তির যে কাজগুলো, মূর্তির কাজগুলি হয়, আবক্ষ মূর্তি তৈরি হয়। হ্যাঁ আমি দুইটা ভেবে কাজ করি, একটা হলো মাটি এবং সবাই মিলে মিশে বলতে আমি এটা দায়িত্বে আছি আর কি, লোক তো আছে সবাই কাজ করছে। আচ্ছা এখন মানে এটা হচ্ছিল মূর্তি হচ্ছিল শিবের বোধ হয় না? ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মূর্তি এটা। আচ্ছা ওটা কিসের মূর্তি? বিষ্ণু দেবের মূর্তি। আচ্ছা এইগুলো মূর্তিগুলো তৈরি হচ্ছে, এগুলো ফ্রেম করা আছে, এটা নটরাজ হবে, নটরাজের মধ্যে। আচ্ছা নটরাজ কা মূর্তি যখন দেখতে হবে, ডিফারেন্ট ডান্স ফর্মে নটরাজ কা মূর্তি হ্যাঁ, নটরাজের মূর্তি, এটা কিসের মূর্তি হতে চলেছে? এদিকে আবক্ষ মূর্তি হবে, একজনের মা বাবার মূর্তি। আচ্ছা 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 আচ্ছা, মানে যে মা বাবার মূর্তি কেউ করতে চাইছে তার বা, খুব ভালো খুব ভালো। ওটা তো শিব, শিবজি, আচ্ছা উনি হচ্ছে লোকনাথ বাবা, আচ্ছা কৃষ্ণ, রাধে রাধে কৃষ্ণ, ওটাও তো রাধা কৃষ্ণ। সো দোস্ত ইয়ে বাংলাদেশ মে একদম চট্টগ্রাম শহর কো জো মেন সিটি হ্যায়, মেন সিটি হ্যায় ওয়াহাঁ পর হি ইয়ে জো জগহ কা নাম হ্যায় জামাল দেওয়ান কি দেওয়ান জি পুকুর পাড়, পুকুর পাড়ের একদম পাশে এক ছোটা সা মন্দির হ্যায়, বড়া সা মন্দির হ্যায় সরি। আচ্ছা মন্দিরটা কোন ঠাকুরের মন্দির সেটা পাশে? এটা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের মন্দির, এই তো মন্দির। আচ্ছা আচ্ছা, না বাইরে একটা বড় মন্দির দেখছিলাম পাশে, ওটা আরেকটা, ওটা হলো নিগমানন্দ আশ্রম, এরপরটা অনুকূল ঠাকুর, অনুকূল ঠাকুরের মন্দির। সো ইয়ে সব ওই সব মন্দিরের মূর্তিগুলো তো এখান থেকে তৈরি হয়েছে। আচ্ছা সো হি ইজ ডুইং আ গ্রেট জব অ্যাকচুয়ালি, হি ইজ মেকিং দ্য আইডলস অ্যান্ড অল দিস থিংস। তো দোস্ত একচুয়ালি যে কারখানা কে সব একদম অ্যাডজন এক দূসরা মন্দির হ্যাঁ, ये हम लोग इंडिया में नागा सन्यासी जो लोगों का नाम हमने सुना है, एक नागा सन्यासी यहाँ पर आके एक मंदिर बनाया था, मंदिर नहीं यहाँ पर वो बैठते थे, ये उसका फोटो, इसका नाम क्या है, नाम की ना गंगागिरी महाराज, ओके अभी वो नहीं है, लगभग 30 से 40 साल पहले बनारस में, बनारस जो इंडिया का एक बहुत ही स्पिरिचुअल शहर है, वहाँ पर इसने लाइक उसका क्या बोलूँ उसको, लास्ट टाइम ही स्पेंड ओवर हियर, बट 100 साल से भी ज़्यादा ये पुराना ये जगह है, ये मंदिर, जैसे सोचिए 100 साल पहले यहाँ पर एक नागा सन्यासी यहाँ पर बैठता था, यहाँ पर उसका जो स्पिरिचुअल रिचुअल सिस्टम यूज टू फॉलो ऑल दिस स्टेप्स, और वहाँ पर अभी मैं खड़ा हूँ। थैंक यू रतन जी, रतन पॉल इज ओवर हियर, थैंक यू सर। ओके एक्टा भेतर और एक्टर हो, वन मोर टेम्पल है, ओके उसका वहाँ पर हम लोग जाते हैं, जा रहे हैं अभी। अरे बाप रे, ये देखो सीक्रेट सीक्रेट एक जगह है, यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, ये दूसरा, चलो आपको अच्छी तरह से दिखाता हूँ। अच्छा ये जो जो नागा सन्यासी उसका ये
जगह देखो यहाँ पर बजरंगबली है। अच्छा इन्हीं की? अच्छा नहीं नहीं काल भैरव। अच्छा गाइस वैसे अपने को ओके देख सकते हो, यहाँ पर थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये हनुमान जी और ये काल भैरव, ये हनुमान जी ये है काल भैरव। ये बहुत ही 100 साल से भी ज़्यादा पुराना होगा यह जगह, 100 बच्चों पुराना तो ये जगह ना 100 साल से भी पुराना जगह देख सकते हो। यहाँ पर इगलो की छाछ ना सब इगलो ओके छाछ है ये सब, जो छाछ में जो मिट्टी और जो जो मूर्ति बनाने की जो चीज़ उस पर डालकर इस छाछ के अंदर डालकर इसको बनाया जाता है, छाछ है ऑल दिस थिंग्स सर। तो देख सकते हो यहाँ पर एकदम डिफरेंट कल्चर है बांग्लादेश का, जो यहाँ पर हिंदू लोग रहते हैं, how they are practicing their rituals and their culture from here. दोस्तों रतन जी के साथ एक दूसरा मंदिर में भी आए हैं। एक्चुअली रतन जी है बहुत स्पिरिचुअल, तो ये चट्टोग्राम शहर का जो मंदिर है ये सभी मुझको घुमा घुमा के दिखा रहा है, बिकॉज आई एम फीलिंग वेल। एक्चुअली बांग्लादेश में आकर ये मंदिर विजिट करना एक्चुअली अनुकूल अनुकूल ठाकुरेर ओके अनुकूल ठाकुर बहुत ही एक है ना, जो इसलिए मैंने नाम भी सुना है इसका, कोलकाता में इंडिया में बहुत हिंदुओं का डिफरेंट मठ आश्रम है, यहाँ पर भी है। तो चलिए इसके अंदर भी चलते देखते हैं अंदर का सीन क्या है। अनुकूल ठाकुर का आश्रम, जो अभी अभी दर्शन करके हम लोग अभी यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हो, ये पूरा मंदिर का आश्रम का पूरा ये पूरा टेरिटरी, ये पूरा कैंपस है। ये एक बहुत ही बड़ा जगह है देख सकते हो, यहाँ पर भक्तजन बैठते हैं, जो नाम कीर्तन संकीर्तन होता है कीर्तन समय जगह भरा था ना, कीर्तन के टाइम पर पूरा जगह भरा भरा रहता है, देख भी लगता है बहुत बड़ा एरिया है। तो एक्चुअली एक अच्छा चीज़ है किसी देश में जाओ उस लोग देश का अच्छी एग्जैक्टली कल्चर को जानने के लिए, यू नीड टू नो एवरीथिंग। सिर्फ टूरिस्ट स्पॉट नहीं, एक भी एक टूरिज्म है, देश का फूड, उन देश का कल्चर और देश के लोगों को क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है सभी अगर जानोगे तभी इस देश को घूमने का असली मज़ा आएगा। तो ये बहुत ही एक खूबसूरत से एरिया है चट्टोग्राम का, चट्टोग्राम शहर का एग्जैक्टली जो शहर का सीन एकदम बहुत ही भीड़ भाड़ वाला है, और ये एकदम लोकल एरिया। एक्चुअली अभी रतन जी के घर पे हम लोग आ चुके हैं, दिस इज द वेटिंग रूम ओवर हियर, ये दरुण भाई यहाँ पर बैठ कर रेस्ट कर रहे हैं। तो वन थिंग आई वांट टू शो यू, ही इज़ वेरी मच फेमस आर्टिस्ट इन बांग्लादेश, आप देख सकते हो बहुत सारा जो प्राइजेस यहाँ पर आपको थोड़ा सा घुमा कर दिखाऊँ, ही हैज़ अचीव्ड लॉट ऑफ प्राइजेस फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश। ये देखो ये देखो ये देखो, ये नीचे भी देखो और ये पीछे भी देखो, लुक एट द इन द वॉल्स all these are for this him for him for his work appreciation all these stuffs yaha likha hua hai Sri Ratan Pal Rupashri Shilpalay, this is all about the room of him and he is one of the successful businessman and artist in this city of Chattogram. To dosto already hum log ka kaam khatam ho gaya yahan par, raat ka dinner bhi yahan se kar chuka hu, karne ke baad hum log nikal rahe hain, तरुण जी मैं और रतन जी सामने है, वी आर जस्ट गेटिंग आउट फ्रॉम दिस प्लेस। अभी हम लोग को क्या करना है, हम लोग को बस स्टैंड जाना है और ऐसे बस पकड़ना है। तो बट यहाँ पर आकर एक लोकल बांग्लादेशी फैमिली में रहकर कुछ घंटे सही स्पेंड करके आई एम वेरी मच एक्साइटेड, अच्छा एक्सपीरियंस हुआ। आई हैव अब्जॉर्ब्ड हाउ इज़ द लाइफ स्टाइल ऑफ हिंदू फैमिलीज ओवर हियर, ऐसे लोग रहते हैं, उन लोग का काम करने का तरीका। आई एन्जॉयड देयर हॉस्पिटैलिटीज ऑल्सो, होप्स गाइस यू ऑल्सो एन्जॉयड देयर हॉस्पिटैलिटी थ्रू माई वीडियोज। तो दोस्तों वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, या मैं देखिए एक और भी एक कुछ लिखा हुआ मोनूमेंट टाइप ऑफ प्लेसेस है। ओके सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड।